प्रेरणा कथा, आप क्यों नहीं आए। वर्मा जी सुबह सुबह सैर करने जाते थे। उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक पार्क था। उस इलाके में घर एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे। कोई भी बहुमंजिली इमारत नहीं थी। सभी घर एक या दो मंजिल के थे। सभी घरों के सामने और पीछे छोटे छोटे बगीचे थे। एक दिन जब वर्मा जी घर से बाहर निकले, कुछ दूरी पर उनको एक लड़की ने आवाज दी। वो लगभग 14 वर्ष की रही होगी। वर्मा जी ने उस लड़की की तरफ देखा। दुबली पतली सी वो लड़की एक पुरानी फ्रॉक पहने हुई थी। शायद किसी घर में काम करती थी। उस लड़की ने कहा, अंकल जी, अंकल जी। वर्मा जी ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। उसने कहा, कुछ दूरी पर खड़े हुए आवारा कुत्तों की तरफ संकेत करते हुए, अंकल जी, मुझे कुत्तों से डर लगता है। वर्मा जी ने भी उन कुत्तों को देखा। वर्मा जी उस लड़की के साथ साथ चलने लगे ताकि कुत्ते उसको कोई हानि ना पहुंचा सके। जब कुत्ते बहुत पीछे छूट गए, वो लड़की दौड़ कर सामने के घर में घुस गई। उस दिन के बाद वो लड़की रोज सुबह ही वर्मा जी को सड़क पर उनका इंतजार करती हुई मिल जाती थी। कुछ दिनों बाद वर्मा जी ने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अपनी बीमार मां के कारण उसको लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। उस लड़की ने यह भी बताया कि उसके पिताजी का एक सड़क दुर्घटना में बहुत पहले ही निधन हो गया था। घर पर उसकी बीमार मां और उसका छोटा भाई ही थे। एक दो वर्षों तक तो पिताजी के बचाए पैसों से घर का गुजारा चल जाता था, परंतु जब मां बीमार हो गई तो सभी पैसे उनकी बीमारी में लग गए। उस कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी बस्ती में उसकी मां का छोटा सा दो कमरों का घर था। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी मां ने घर के बाहर ही एक सब्जियों की दुकान खोल ली थी, परंतु बीमारी के कारण वो दुकान भी बंद करनी पड़ी थी। वर्मा जी को यह भी मालूम चला कि वो लड़की आगे पढ़ना चाहती थी। वर्मा जी ने कुछ दिनों बाद यह निर्णय लिया कि वो उस लड़की को स्कूल भेजा करेंगे और उसको घर खर्च के लिए भी पैसे देंगे ताकि उसको लोगों के घरों में काम न करना पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात कर ली थी। वर्मा जी के कुछ दोस्त भी उस लड़की की मदद करने के लिए पैसे देने को तैयार हो गए थे। जब यह सब निर्धारित हो गया, वर्मा जी उस लड़की को बताने का विचार किया। वो खुश थे कि एक गरीब परिवार की वो और उनके दोस्त मदद कर रहे थे। अगली सुबह वो तैयार होकर सुबह की सैर के लिए निकले। वो कुछ उत्साहित लग रहे थे क्योंकि वो उस दिन उस लड़की को ये बताना चाहते थे कि वो स्कूल जाएगी और उसको घर चलाने के लिए पैसे भी मिला करेंगे। अचानक वर्मा जी के दोस्त आ गए और उन्होंने सैर पर जाने का इरादा त्याग दिया। वो अपने दोस्तों के संग अपने बगीचे में बैठकर चाय पीने और गप्पे मारने में व्यस्त हो गए। अगली सुबह जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचे जहां वो लड़की उनका इंतजार कर रही होती थी, उन्होंने देखा कि वहां भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने लोगों से पूछा कि वो लोग सुबह सुबह उस स्थान पर क्यों इकट्ठा हुआ है। एक व्यक्ति ने कहा, वर्मा जी, घोर कलयुग आ गया है, क्या बताएं। गुप्ता जी के घर पर जो लड़की काम करने आती थी, कल सुबह कुछ दरिंदों ने उसका सामूहिक बलात्कार कर दिया। वो उसको बेहोशी की हालत में यहीं सड़क पर छोड़ गए थे। वर्मा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उनको बहुत अफसोस हुआ कि वो कल सैर करने क्यों नहीं आए थे। उन्होंने पता किया तो मालूम चला कि उस लड़की का इलाज सिविल अस्पताल में हो रहा था। वो तुरंत घर गए और गाड़ी लेकर सिविल अस्पताल चल दिए। उन्होंने देखा, उनको देखकर वो लड़की रोने लगी और सुबकते हुए बोली, अंकल जी,
आप कल सुबह नहीं आए। वे कुत्ते मुझ पर झपट पड़े और मुझे नोचने लगे। मैं आपको याद करती रही। उन्होंने मुझे बहुत नोचा अंकल जी, आप होते तो मुझे उन कुत्तों से बचा लेते। वर्मा जी ने आगे बढ़कर उस लड़की के सर पर हाथ रख दिया। उसने वर्मा जी का हाथ पकड़ लिया। मैं सड़क पर बेहोश पड़ी थी, परंतु उस दिन उस गली वाले कुत्तों ने कुछ नहीं किया, ना भौंके ना ही उन्होंने मुझे काटा। इन दरिंदों से तो वो गली के कुत्ते ही अच्छे हैं अंकल जी, वो भी इतना तो समझते हैं कि किस पर भौंकना है किस पर नहीं। वर्मा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने उस लड़की से कहा, बेटी हाँ मैं ही गुनाहगार हूँ, काश मैं कल सुबह शहर को आ जाता। तुम ठीक हो जाओ, अब तुम हमारे घर पर ही रहोगी और स्कूल भी जाओगी। मित्रों, न जाने हमारे समाज को क्या होता जा रहा है, बालिकाओं से बलात्कार के मामले इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये बलात्कारी राक्षस कहीं सोया पड़ा था जो पिछले कुछ वर्षों से जाग गया है और सक्रिय हो गया है। हो सके तो घरों में काम करने वाली नाबालिग बच्चियों को सहायता कीजिए और उनको स्कूल पढ़ने भेजने में सहयोग कीजिए। अगर आपने एक भी ऐसी असहाय बालिका को पढ़ा लिखा दी तो मानकर चलिएगा आपका जीवन सफल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।